लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के 4 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, जिसमें एक सीट औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने अभय कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल इससे पहले साल 1998 और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। बाकी समय महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और एक बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। राजद का मुख्य मुकाबला लगातार 3 बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के साथ है, लेकिन राजद नेताओं का दावा है कि जनता इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है। हमारे जो माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेता बैठ करके आपसी विमर्श करके यहाँ उम्मीदवार तय किए और राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से महागठबंधन के लोगों के साथ लेकर चुनाव लड़ेगी और विश्वास जताते हैं कि 2 लाख से अधिक वोटों से हम लेकर चुनाव लड़ेंगे। किस आधार पर आप विश्वास जता रहे हैं? ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है? नहीं, कॉन्फिडेंस आज जो नामांकन हुआ और इसमें जो जन सैलाब उमड़ा, जो लोकसभा क्षेत्र के गांव गांव से लोगों का जुटान हुआ, ये जुटान और ये महासंगम जो हुआ वह यह इस बात का प्रतीक है कि औरंगाबाद की जनता परिवर्तन चाहती, बदलाव चाहती। इसलिए हम महागठबंधन के जितने भी नेता सभी लोग पूरी ताकत के साथ हम अभय कुशवाहा के पक्ष में काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता भीड़ है तो आज कुल्लू में यहाँ आया, मुझे बता दिया यहाँ की जनता बदलाव चाहती। एक अभय कुशवाहा औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले एकारी से पूर्व विधायक रहे तो क्या ये औरंगाबाद का बेटा नहीं है? क्या लगता है कि आप यहाँ से बिहार से जीतेंगे तो आपका प्रधानमंत्री होंगे? आप एक चीज जान लीजिए, जो हिंदुस्तान का हिंदी पट्टी राज्य है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल तक चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर भाजपा की हवा निकल रही है, क्योंकि इन सब लोगों ने जो पिछले चुनाव में जो वादा किया था हम लोगों के साथ, किसानों के समर्थन मूल्य की बात की थी, युवाओं को रोजगार की बात की थी, बेटियों की सुरक्षा की बात की थी, स्मार्ट सिटी की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी, अच्छे दिन का सपना दिखाया, तो ये तो तमाम मुद्दे पर फेल है। इसलिए जनता मन बना चुकी है अब इनको कौन अगला प्रधानमंत्री, हमारे महागठबंधन के नेता तय करेंगे, बैठ करके तय हो जाएगा। कोई चेहरा आना चाहिए? बहुत चेहरा है, यहाँ अखिलेश जी चेहरा है, यहाँ राहुल गांधी चेहरा है, यहाँ हेमंत सोरेन जैसे नेता है, यहाँ तेजस्वी यादव जैसे युवा नेतृत्व है, चेहरे की कोई कमी नहीं है। भारत के संविधान के अनुरूप जीते हुए सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, ये तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ओवरटेक कर रहे हैं। आप इस बात को जानिए, देश की जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चयन आम लोग करते ही है लाइन के आधार पर, वोटिंग लाइन होता है उसके आधार पर, लेकिन निर्वाचित सांसदों का संसदीय दल के द्वारा नेता का चयन होता है और वो नेता चयन करेगा। एक मोदी वहाँ है, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के दर्जनों चेहरा। और जानना चाहेंगे यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं अभय कुशवाहा जी का सभा लगा हुआ है, जन सैलाब उभरा हुआ है, आप क्या लगता है इस जन सैलाब को देखने से एहसास क्या कर रहे हैं? ये जन सैलाब ये बताने के लिए काफी है और औरंगाबाद परिवर्तन चाहिए, ये जन सैलाब ये देखने के लिए, ये बताने के लिए काफी है कि औरंगाबाद के लोग पूछ रहा है मेरे लाल पानी का क्या हुआ, उत्तर कोई लहर का क्या हुआ, औरंगाबाद की जनता यह पूछती है कि मेरे मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता यह पूछती है कि औरंगाबाद में रेलवे लाइन कब आएगा, औरंगाबाद की जनता यह पूछती है कि अभी हमारे माननीय वर्तमान सांसद ने सपना दिखाया कि एयरपोर्ट बनेगा। हसीन सपना दिखाने वाले लोग, शाइनिंग इंडिया वाले लोग हैं। अब नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होती है, गारंटी इस बात की है कि हम रोजगार नहीं देंगे, गारंटी इस बात है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देंगे, गारंटी इस बात की है कि युवाओं का रोजगार छीनेंगे और अग्निवीर बहाल करेंगे, इसकी गारंटी इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है और बिहार से हम खदेड़ेंगे। और हमारे नेता ने कहा था नीतीश चाचा आपका रथ आपका भतीजा बिहार में रोकेगा, तो हम रथ रोक रहे हैं, बिहार 400 सीटों पर
तेजस्वी यादव के काम के आधार पर हम 400 सीट जीतेंगे और देश में इतिहास बनाएगा बिहार। बिहार फिर एक और इतिहास की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद। क्योंकि पिछले बार तो आप लोग रफीगंज विधानसभा जीते थे, इस बार क्या स्थिति रहेगा इस लोकसभा चुनाव में? हम लोग रफीगंज, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, हम लोग हर वर्ष जो है हम लोग चुनाव में बढ़त बनाए हुए रखते हैं। अगले भी लोकसभा चुनाव में 5500 से हम लोग रफीगंज विधानसभा में बढ़त बनाए, जबकि 4 विधानसभा में हम लोग लोकसभा में पिछड़ गए थे। 2000 गुरुआ से और 5500 रफीगंज विधानसभा से हम लोग बढ़त बनाए। क्या लगता है इस अगर जो अभय कुशवाहा आए हुए हैं, मुरादाबाद का भी तीन प्रखंड, औरंगाबाद जिला का जो तीन प्रखंड है, तीन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, वो हमारे संसदीय क्षेत्र में, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में, क्या उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जो औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व कर सकता था संसद में? इस पर क्या हमारे और इस बात जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि औरंगाबाद का प्रतिनिधि नहीं है, तो गया जिला के भी लोग कहते हैं कि हमारा भी गया जिला में विधानसभा आता है, हम लोग हैं कि कोई नहीं था प्रतिनिधि करने वाला, वो तो दोनों बराबर हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक विधानसभा ज्यादा है और एक विधानसभा यहाँ कम है जिला को, इसलिए दोनों जिला को तो विधानसभा बराबर है। वो हमारे जिला के रहे चाहे गया जिला के रहे, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। एकदम राजद का सिपाही सब साथ है, महागठबंधन का सिपाही सभी साथ हैं। क्या है एजेंडा? हम लोग का एजेंडा है जो छूटे हुए काम को जो 15 वर्ष में हमारे जिले के सांसद नहीं किए, उसको हमारे सांसद महागठबंधन के जो उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्हें अपने करके दिखावेंगे। सबसे पहला एजेंडा जो है विकास, औरंगाबाद में पूर्णतः जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या किसानों का है, नहर परियोजना, दूसरी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज, 17 साल से जनता को छलावा सर, उनका बनाएंगे एयरपोर्ट बनाएंगे मगर जनता के कुछ भी नहीं रहेगा। क्या जनता इस बार एकदम बदलाव है? पिछले बार भी यही नारा लगाए थे आप? नाव तो पिछले बार भी था लेकिन नहीं बदल सका, क्या कहीं वैसे तो ना हो जाए? देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी जो रह गई है वो राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोग जो कमी रही उसको पढ़ना। अभी भी आपके महागठबंधन थी एनडीए जो बहुत बड़ी दरार नजर आ रही है, इसमें क्या एनडीए में भले दरार हो सकती है? नहीं एनडीए नहीं, एनडीए में कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं। कांग्रेस तो कह रहा है हमारे जो सम्मान नेता आदरणीय लाल प्रसाद यादव सबको गठबंधन सबका सीट से हो गया है और कहीं कोई अंदर से कोई यात्री नहीं रह गया है, किसी तरह के क्या मुझे बता रहे हैं एकदम हम लोग लगभग यहाँ से 2 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। औरंगाबाद विकास जो था हमारी सरकार में जो है आरजेडी ज्यादा तो पूरा विकास को चलना, इसलिए कि युवा जो अपने बिहार के वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जब हमारी सरकार बनी 17 महीने जितने भी पढ़ लिख के युवा जो थे उनके रोजगार मिला, इसलिए युवा में एक उत्साह का माहौल बना, बिहार को रोजगार की ओर आज जब सरकार बदली तो अभी देखिए जो अभी परीक्षा ये युवाओं में फिर वही माहौल बनने जा रहा है। बर्बाद करना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपका उम्मीदवार औरंगाबाद से क्या ये खत्म कर पाएंगे चित्तौड़गढ़? एकदम निश्चित, हम लोग पूरा औरंगाबाद ही नहीं पूरा 400 पूरा बिहार में हम लोग जीतने के कागार और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का नाम कि हम 400 के 400 सीट पर जीतेंगे।